तो दोस्तों, आपने बहुत सारे न्यूज़ पढ़े होंगे टिकटॉक के ऊपर कि ये बैन होने वाला है। क्या सारा प्रोसेस था मद्रास हाई कोर्ट से लेके ऑनलाइन जो सर्वे हुआ है, और ये जो आगे का प्रोसेस चल रहा है कब बैन होने वाला है। अभी हाल ही में एक ऑनलाइन सर्वे भी हुआ है कि कितने परसेंट लोगों ने वोट किया है कि बैन होना चाहिए और कितने परसेंट लोगों ने वोट किया है कि नहीं बैन होना चाहिए, और ये ऐप कब बैन हो रही है, तो आज की वीडियो में मैं बताऊँगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल दुबे और आप देख रहे हैं टिकटॉक। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और यहां पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि TikTok बैन होने वाला है। तो यहां पर आज मैं बताता हूं, सबसे पहले आपको दिखाता हूं ऑनलाइन सर्वे के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर ऑनलाइन सर्वे हुआ है जिसमें 80% यंगस्टर जो हैं वो चाहते हैं कि TikTok इंडिया में बैन हो जाए। तो यहाँ आपको बता दूँ कि TikTok एक चाइनीज़ वीडियो ऐप है, और यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट लास्ट वीक में एडवाइस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस ऐप को बैन करने के लिए। और बैन करने का मुख्य जो कारण है पोर्नोग्राफी एमंग यंगस्टर, मतलब जो टीनएजर्स हैं उनके बीच पोर्नोग्राफी पहुँचाई जा रही है, उससे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो मद्रास हाई कोर्ट है उसका कहना है कि TikTok ऐप के द्वारा अनुचित कंटेंट, मतलब कि यहाँ पर जो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड एडल्ट कंटेंट है वो बच्चों के बीच में पहुंचाई जा रही है। और यहाँ पे गवर्नमेंट का एक रिस्पांस बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसे बंद करें। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 15 अप्रैल को जो मद्रास हाई कोर्ट का चैलेंज था TikTok बैन करने को एक्सेप्ट किया है। अब वो अपना फैसला सुनाएगा कि इस ऐप को बैन करना है या फिर क्या क्या सारा प्रोसेस, जो ऐप को जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप ये कंटेंट मत डालिए, पूरा उनकी पॉलिसी सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। ये सारा जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट मंगलवार 15 तारीख को लेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TikTok ऐप को बैन करने का मामला हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया वीडियो क्रिएटर ऐप TikTok पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के इस आदेश को लेकर एक अपील दायर की गई है। इसी अपील पर अब सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा TikTok ऐप को बैन करने के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर गौर किया जाएगा। मंगलवार को इस फैसले की सुनवाई का तारीख दे दी गई थी। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार से इस शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप TikTok को बैन करने की सलाह दी थी। इतना ही नहीं, मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै बेंच ने मीडिया हाउस को TikTok ऐप द्वारा बनाई गई फनी और अन्य तरह की वीडियोस को टेलीकास्ट करने से भी रोका था। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस चीनी ऐप को बैन करने के पीछे एक बड़ा तर्क दिया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि चीनी ऐप भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहा है। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस एन किरुबाकरण और एस एस सुंदर ने केंद्र सरकार को 26 अप्रैल से पहले जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार से यह भी जवाब मांगा है कि क्या केंद्र सरकार अमेरिका के तरह चाइल्ड ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट की तरह ही कोई नीति ला सकती है जो बच्चों को ऑनलाइन विक्टिम बनने से रोक सके। दोस्तों, मैंने बताया कि TikTok क्यों बैन हो रहा है, क्या सारा प्रोसेस है, और आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइए कि आप चाहते हैं कि बैन हो, कि चाहते हो ना बैन हो। तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, अपनी राय जरूर दीजिए इस वीडियो पे कि क्या आपका राय है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस मैं टेक से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। ऐसे ही वीडियोस अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। दोस्तों, मिलता हूँ नए वीडियो में किसी बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ। धन्यवाद।